जनपद बुलंदशहर से इस वक्त की खबर सामने आ रही है। बुलंदशहर में बेखौफ लुटेरों ने सर्राफा व्यापारी को गोली मारकर लाखों के आभूषण की लूट की वारदात का वीडियो सामने आया है। लुटेरों की तलाश में जुटी 7 पुलिस की टीमें, 2 दिन पूर्व हुई लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। सीसीटीवी कैमरे से पुलिस को मिले अहम सुराग संभावित स्थानों पर दी जा रही है दबिश। व्यापारी के ऑपरेशन के बाद निकाली गयी 2 गोलियाँ, हालत खतरे से बाहर। गुरुवार की शाम को बुलंदशहर में हुई थी लूट और गोलीकांड की वारदात। समाचार A to Z के लिए बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। ये थाना कोतवाली नगर में गवेरा अड्डा पड़ता है, यहाँ पे एक दुकान है, उसमें की मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग आए थे और उन्होंने अंदर फायरिंग की है। जिसमें जो यहाँ बैठे हुए यहाँ के व्यापारी थे उनके गोली लगी है, उनको यहाँ से रेफर कर दिया गया है, उनका उपचार कराया जा रहा है। यहाँ पे कुछ फुटेज वगैरह हम लोग को मिला है, इससे कुछ इम्पोर्टेंट लीड्स मिले हैं, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी 7 टीमें इससे लगा दी गई है, जल्द से जल्द घटना का अनावरण किया जाएगा। और सर, आरोपी ने गोली मारने के साथ साथ लूट भी की है क्या? अभी जो इन्होंने बताया है कि वो सामने 2 डब्बे रखे हुए थे वो लेके गए हैं, और डिटेल्स और अभी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, उसके अनुसार अटेंड कर रहे हैं। उसके साथ में एक महिला जो छीना झपटी का मामला सामने आया, ऐसा भी पूछे क्या? जो अंदर बैठे हुए ग्राहक थे वो लोग यहाँ मौके पर थे और उनके सामने की ये घटना हुई है। उन लोगों से भी हम लोग बयान दर्ज करा रहे हैं और फुटेज भी देखा जा रहा है। फुटेज से कुछ हम लोग पर इम्पोर्टेंट चीज़ें इसका मिली है, जिसपे हमारी टीमें काम कर रही है।